मजा आया है ना? संभल कर शिदु का। देखी सुगी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना देखी सुगी? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आउट। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम मेरा सहारा लेकर ठीक से खड़े हो जाओ। लाओ अपना सामान मुझे दे दो। तुम सबका शुक्रिया। अरे मेरी फिक्र। कुछ नहीं, बस उसे जाकर धो लो और थोड़ी सी दवाई लगा लो, ठीक है? कोई बात नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें भी नहीं, मैं अकेला रह लूंगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। डिवोशन हार्ट स्केल। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा मत करो, ये मुझे दे दो। डोरेमोन प्लीज। तुम इसे जिस पर भी चमकाओगे वो तुम्हारी फिक्र करने लगेगा। नोबिता, ये मुझे जल्दी दे दो। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नोबिता की बहुत फिक्र है। करो 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 करो, तुम मंडो रखे खा लो। क्या सच में? हाँ तुम्हारा शुक्रिया। चाय मिल जाती तो अच्छा लगता। ओ, तुम्हारा चाय पीने का मन है, मैं अभी लेकर आता हूँ। और चाहिए तो बता देना। तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हें कॉमिक बुक चाहिए? टीवी देखना है? अच्छा आइडिया है। अच्छा तो तुम सोना चाहते हो? और ये लो। हाँ डोरेमोन, तुम तो मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो। क्या करूँ क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ क्या करूँ? ये रही फर्स्ट एड किट। खांसी, मतलब तुम्हें जुकाम हो गया है? तुम्हें ये बुखार कैसे हुआ? मैं तुम्हें नोबिता, कहाँ जा रहे हो? मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। नोबिता, ये गैजेट तो सच में बहुत काम का है। इस गैजेट की मदद से तो सब मेरा बहुत ख्याल रखने वाले हैं। नोबिता। हाँ, शिज़ुका जरा रुको। नोबिता नोबिता। यहाँ आ जाओ आ जाओ। जरा देख के चलो, यहाँ किसी ने गड्ढा किया हुआ है, तुम गिर जाओगे। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, पर इस गड्ढे में कोई नहीं गिरेगा। आखिर बात क्या है नोबिता? अब समझ आया, लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गड्ढा वहाँ है, यहाँ पर नहीं है ना? अरे गड्ढा यहीं पर है। अरे रुको नोबिता, आगे मत बढ़ो। मैंने तुमसे कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे ये कैसे हुआ? तुम तो पूरा भीग चुके हो नोबिता, बाहर आओ। अगर तुम जल्दी नहीं सूखे तो तुम बीमार हो सकते हो। इस छोटे से रुमाल से कुछ भी नहीं होगा। बस हो गया, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम अभी तक भीगे हुए हो नोबिता, इस तरह ना जाओ। तुम्हें सुखाने के लिए हम अपने घर ले जाएंगे। तुम अकेले नहीं, मैं भी उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। जियान रुक जा।
चलो अपने गीले कपड़े बदल लो, हम इन्हें सुखा लेंगे। क्या तुम ये पहनना चाहोगे या ये वाला? रुको जरा, ये सही रहेगा। ये लो मेरे खास कॉन्सर्ट वाले कपड़े, तुम अच्छे लगोगे। जियान मुझे बहुत ठंड लग रही है। जरा एक मिनट रुको, है नोबिता को इस तरह के खराब कपड़े नहीं पहनने दूंगा, समझे तुम? क्या कहा? मैं नोबिता के लिए खास इटली, फ्रांस और जर्मनी के कपड़े लेकर आया हूँ, जो नोबिता को बहुत अच्छे लगेंगे, है ना नोबिता? बताओ। मेरे कपड़े इन कपड़ों से बेहतर हैं, तुम ये पहनो नोबिता। कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो, कुछ भी। क्या कहा? कुछ भी। तुम्हें बता, ये वाला दे दो, कोई भी दे दो, ये सारे मुझे दे दो। तुम्हारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नोबिता, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सब तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मेरे पास तुम्हारी पसंद की सब चीजें हैं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। ये सारा खाना हमने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाया है, तुम जितना चाहो खा सकते हो नोबिता, वो भी पेट भर के। पर सबसे पहले तुम ये खाओ। कैसा है ये, तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी है जियान। जरा इसे खा कर देखो, इसे खाने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। अब मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा। मुझे और नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ और तुम मेरा खाना नहीं खा रहे। नोबिता को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया जियान। क्या कहा तुमने? अब तुम इसे खाओगे। मुंह खोलो, खाओ इसे। कैसे हुई मेरे खाने की बेइज्जती करने की? खाओ, अपना बेकार सा खाना भी यहाँ से ले जाओ। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता था। अब मुझे कैसे भी करके इसका इस्तेमाल शिज़ुका के सामने करना होगा। हाँ, शिज़ुका, ये तो डेगिसुगी का घर है। माफ करना, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ा। फिक्र मत करो, ये लो तुम्हारी किताबें और पढ़ाई का सामान। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो डेगिसुगी की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है। क्या तुम्हें लाइब्रेरी में कुछ किताबें लौटानी है? अगर तुम पूछ रही हो तो मैं घर जाते समय उन्हें लौटा दूंगी। अब मेरी बारी। क्या तुम ठीक? मैं तो बहुत खांसी हो रही है। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शिज़ुका, लगता है मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है, लेकिन तुम्हारी हाथ की बनाई हुई कुकी से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ठीक होने के बाद हम होमवर्क भी करेंगे, कैसा आइडिया है? अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से घर जाकर कुकीज बनाती हूँ, फिर हम साथ में मिलकर होमवर्क करेंगे, ठीक है? अरे शिज़ुका कहाँ गई? ये लो तुम्हारे लिए। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी है, क्या मैं खा सकता हूँ? साथ में चाय पी लोगे? हाँ हाँ जरूर। डेगिसुगी को ये कुकीज खाने को नहीं मिली, ये तो तय है कि शिज़ुका मेरी ज्यादा फिक्र करती है। फिक्र मत करो डेगिसुगी, मैं तुम्हारे नाम की भी कुकीज खा लूंगा। जरा तुम ये डेगिसुगी को देना चाहते हो? मैं अभी जाकर ये उसे दे आती हूँ। मैं जल्दी वापस आती हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं। शिज़ुका वापस आओ। डेगिसुगी, शिज़ुका, डेगिसुगी। हेलो नोबिता। अरे तुम लोग यहाँ? तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। मैं तुम्हारे लिए जियान का स्पेशल खाना लाया हूँ, इसे खाकर बताओ कैसा है। अच्छा हुआ डोरेमोन तुम यहाँ आ गए। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। डोरेमोन तुम भी। मेरे प्यारे नोबिता। प्यारे नोबिता। रुक जाओ नोबिता। ये लो डेगिसुगी तुम्हारे लिए। मैं घर आ गया। अरे डोरेमोन, डोरेमोन कहाँ? मैंने अजीब सा मुंह बनाया तो क्या मुझसे बात नहीं करोगे डोरेमोन? कोई बात नहीं,
आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैं कहीं फंस गया था। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। नाराज क्यों हो बोलो भी। नोबिता, तुम देर से घर लौटे हो और अब तुम सोने जा रहे हो, ये किस तरह का बर्ताव है बताओ। मुझे पता था तुम यहीं पर हो, पर तुम कहाँ हो? लगता है तुमसे बाद में ही बात करनी पड़ेगी, मुझे काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हर कोई उस खाली प्लॉट पर इकट्ठे हो रहे हैं और कोई मीटिंग चल रही है। कैसी मीटिंग? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम भी वहाँ आ जाओ। ऐसे छुपकर बात मत करो, सामने आओ ना। और हाँ, ये बस मेरी आवाज़ है, मैं यहाँ नहीं हूँ, ये मेरी 30 मिनट पहले की आवाज़ है। मैं भी मीटिंग में जाऊँगा, डोरेमोन मेरे बिना कैसे जा सकता है? डोरेमोन, अरे तुम ठीक तो हो? वो खत्म हो गया, मतलब हमें वहाँ से हटा दिया गया। सब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने एक बहुत ही खराब खबर सुनी है। किस खबर की बात कर रहे हो? असल में जियान अपना एक नया शो करने की सोच रहा है दोस्तों। क्या कहा, शो होगा? क्या फिर से जियान का गाना सुनना पड़ेगा? ये तो सच में बहुत बुरा है, जब जियान गाता है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें कितनी देर तक सुनना होगा? ना आवाज सुनते ही सबकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मीटिंग में मुझे बुलाना चाहिए? जियान, ये तो मेरे शो के बारे में है ना, अब कुछ बोलो भी। जियान, हमें तुम्हारे शो का इंतजार है। सच में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सबको मेरे शो में मजा आए। कल उसका शो है, पूरे 3 घंटे गाना सुनना पड़ेगा। अरे नहीं, सबसे सुरीला, मैं हूँ सबसे ताकतवर, मैं हूँ जियान, मेरा गला है सबसे सुरीला, मैं। अगर मैंने 3 घंटे उसका गाना सुन लिया तो मुझे बुखार हो जाएगा। डोरेमोन, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? ये कहना तुम्हारे लिए आसान है, पर ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो उसे गाना गाने से रोक के। ऐसा मत कहो। हाँ, अरे एक है ना। ये क्या कह रहे हो? जिससे आवाज पीछे छूट गई थी। अच्छा ठीक है, जिले कैंडी। ये कैंडी है जिससे आवाज देर से आती है। कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। इसे खा लो, आवाज आएगी। अरे तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे डोरेमोन, मेरे लिए तो रुको, कुछ तो गड़बड़ है, उसने मुझे कुछ भी ठीक से समझाया नहीं। उसके आने तक कॉमिक पढ़ता हूँ। जिससे आवाज देर से आती है, ये खा लो और फिर आवाज 10 मिनट देर से आएगी। अरे डोरेमोन, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज आ रही है पर तुम दिख नहीं रहे। ये मेरी आवाज है 10 मिनट पहले की। अरे हाँ, तुम यहाँ नहीं थे फिर भी तुम्हारी आवाज़ थी। तभी तो इसका नाम डिले कैंडी है, जिसमें आवाज़ देर से आती है। तो हम इसका इस्तेमाल जियान के कॉन्सर्ट में भी कर सकते हैं। मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो, वैसे तुम दिमाग का कभी कभी सही इस्तेमाल करते हो नोबिता। मैं हमेशा ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। तो ठीक है, हम जियान का गाना लेट करेंगे पूरे 3 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब हमें लगभग 6 कैंडी खानी होगी 3 घंटे के लिए। उसे 18 कैंडीज खिलानी पड़ेंगी। ठीक है, जियान के गाना गाने से पहले हम उसे कैंडी खिला देंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर हमें 3 घंटे तक जियान का बेसुरा गाना नहीं सुनना पड़ेगा। पड़ोस की सभी लेडीज मिलकर गाने का ग्रुप बनाना चाहती हैं और इसके बारे में हम सबको बता रहे हैं। बहती हवा फूलों के खुशबू से बहती हवा। कैसा लगा बताओ, बताओ कैसा लगा, सबको अच्छा लगेगा ना। कुछ सुनाई नहीं दिया। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे हमें गाना ना सुनाई दे।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना बेसुरा भी हो सकता है। अरे बाप रे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, क्या करें मोरे। तुम्हें आज कोई स्नैक नहीं मिलेगा। मॉम तो इतना अच्छा गाती हैं कि एक ग्रुप में भी गा सकती हैं। हाँ सच में, इनका ग्रुप सच में बहुत बढ़िया होगा। जैसा है हमें सुनना ही पड़ेगा। मैंने तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। मैंने डैड से कहकर बहुत ही महंगे वाले ईयर प्लग, जियान की आवाज मेरे कानों में ना जाए। अगर उसे पता चला तो तुम्हारा क्या होगा सुनियो। यहाँ आ जाओ सब लोग, चलिए जल्दी करिए, जल्दी 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 करिए। क्या बात है सुनियो, तुम परेशान क्यों हो? हे अरे जी सुनियो, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1, माइक टेस्टिंग 2, माइक चेक। मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज का दिन कितना अच्छा है, आप सब यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। ऑडियंस ही सबसे जरूरी है। बहुत अच्छे जियान, क्या बात है। नोबिता, डोरेमोन, तुम एक आर्टिस्ट की कदर करते हो, मुझे इस बात की खुशी है। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। तैयार हो जाओ। इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? अगर किसी ने दोबारा गाना गाने के लिए कहा तो मैं रो दूंगी। काश मैंने भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होता। काश मैं ये देश छोड़कर चला जाता, कितना अच्छा होता। मेरी तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों। क्या तुम लगातार 3 घंटे तक गाना गा सकते हो? इसे खाकर तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। क्या सच में? इससे तुम्हारी आवाज़ बेहतर हो जाएगी। क्या मेरी आवाज़? तुम्हें सिर्फ 20 खानी है, ठीक है? 20 से कुछ नहीं होगा, मैं सारी की सारी खा लेता हूँ। अब क्या शुरू होने वाला है? दोस्तों अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर जी आन की आवाज़ सुनकर जान बची रही। आवाज तो आ ही नहीं रही है। उसे देखकर लगता है कि उसे काफी मजा आ रहा है। लगता है उसकी आवाज को कुछ हो गया है, है ना? इतना अच्छा हो अगर जियान ऐसे ही गाए। सही कहा। अगर ऐसा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे सुरीला।